ग्लेशियर के साथ सफर सफर पूरा सफर जो है ना ग्लेशियर के साथ है। कितने बेहतरीन नज़ारे हैं। और आपको दिखाते हैं बेस कैंप कि वहाँ क्या है और क्यों लोग जाते हैं। टूई पॉइंट से तकरीबन ये 4 घंटे का सफर। यहाँ पे से वही आ सकता है जिसको नांगा पर्वत से प्यार है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, जन्नत है, जन्नत। थकावट तो है, मुश्किल रास्ता है। रंग बिरंगे फूलों ने हमारा इस्तकबाल शुरू कर दिया है। इन एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप चश्मे का पानी पी सकते हैं। गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल, क्या ही बात है। और नंगा पर्वत, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं व्यू पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ से अगर आप पीछे देखें तो नंगा पर्वत की व्यू आप नज़र आ रही है और साथ ही ग्लेशियर्स भी है। तो हम बेस कैंप तक जाते हैं, ट्राई करते हैं पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच जाते, लेकिन ट्राई करेंगे ज़रूर। मेरे साथ जकरिया भी है और मैं हूँ, हम दोनों जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं बेस कैंप कि वहाँ क्या है और क्यों लोग जाते हैं और इतने गैर मुल्की यहाँ आकर इसको सर करने के लिए क्यों यहाँ पहुँच जाते हैं। तो साथ रहे, थोड़ा सा व्यू आप इनको दिखाएं कि हम बिल्कुल साथ साथ ग्लेशियर के जा रहे हैं। ये वाइट और मिट ग्लेशियर, यानी ये जो मिट्याला है और दूसरी तरफ वाइट है। तो सफ़र हमारा जारी है, देखते हैं हम कब तक पहुंच जाते हैं। 12:15 हमने सफ़र शुरू किया था। थोड़ा सा ये व्यू भी इनको दिखाए सारा, ये वाला। तो ये दो हिस्सों में तकसीम है, एक वाइट है, एक मिट्याला है, मिट्टी है। और हमारा जो व्यू पॉइंट है वो जो पत्थर आपको करीब से वो करके दिखाएंगे तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो साथ रही, कोशिश करते हैं कि आपको बेस कैंप तक लेके जाए, जो नंगा पर्वत की जो बेस कैंप है। अगर आप देखें तो एक सयाह यहाँ मतलब आराम कर रहा है, पानी पी रहा है, कोई गैर मुल्की लग रहा है। देखते हैं और आपको दिखाते हैं, साथ रहे। नंगा पर्वत आप देख सकते हैं। थकावट तो है, मुश्किल रास्ता है, ट्रैक जो भी हो वो मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर आप मंजर देखें ग्लेशियर का तो क्या नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसमें दरारें पड़ गई है, इसको कलर डिफरेंट। और सामने पहाड़ी, अगर आप देखें तो बेस कैंप तक तो हमने इरादा किया हुआ है और हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। आप साथ रहें, ताकि आपको बताया जाए क्या सूरत हाल है। ग्लेशियर के साथ सफर सफर पूरा सफर जो है ना ग्लेशियर के साथ है। अगर आप देखें ये ग्लेशियर, तो मैं और जकरिया दो बंदे हैं हम, और हमारे साथ कुछ भी नहीं है, खाने पीने की भी चीज़ें नहीं है। हमने गलती की, सारी चीज़ें भूल गए। बहरहाल होटल वाला मुझे है, वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं और आप आ जाए। अब तकरीबन यहाँ से कोई 1-1.5 घंटा मजीद है, तो साथ रहे।
ऐसा है कि जब यहाँ आप पहुँच जाते हैं थकावट तो होती है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन साथ साथ ग्लेशियर के साथ सफ़र करना, हरियाली और सामने नंगा पर्वत की दीदार, बार बार आसमान से बातें करते ये ऊंचे पहाड़ आपको मतलब खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि ये एक ऐसा सफ़र है कि आप इसमें थक भी जाते हैं लेकिन इंजॉय आप बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम चूँकि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, इतना मतलब वो टांगा टाइप हम सफ़र कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल है यहाँ की जो मुकामी है वो तो आसानी के साथ जा सकते हैं। व्यू पॉइंट से तकरीबन ये 4 घंटे का सफ़र है, तो हमने 12 बजे सफ़र शुरू किया हुआ है, अब देखते हैं कि हम कितने घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। देखिए रंग बिरंगे फूल, क्या ही नज़ारा है। रंग बिरंगे फूलों ने हमारा इस्तकबाल शुरू कर दिया है। थोड़ा सा लेट जाता हूँ, फूलों में सूख गया, फूलों में। वेलकम सर, वेलकम। यहाँ हमारे साथ कुछ दोस्त आए हैं, वो बेस कैंप से नीचे उतरे हैं, इनसे जानते हैं। सर हम आपको वेलकम करते हैं, टाइम देने का शुक्रिया, क्या कहेंगे? थैंक्स अ लॉट जी। हम हमारा भी अपना एक वो है ग्रुप गलीवेंटर्स के नाम से, हम भी हर साल तकरीबन आते हैं मुख्तलिफ हाइकिंग स्पॉट्स पे। अच्छा, तो फेरी मेडोज पे तो मार चुके थे इस टाइम, हमने हमारा ये बेटा है साथ से मामा, तो उसके ओ लेवल से फ्री था तो उसको भी लिया साथ। राइट फ्रॉम बेस कैंप फिर हमने रात को ब्याल कैंप में स्टे किया और मेम्बर्सिंग से साथ डॉक्टर सोफिया, ठीक है। और हमारा ऐसा ऑफ रोडिंग की ट्रिप्स वगैरह होते रहते हैं। इट्स रियली खास तौर पर जो ब्याल कैंप है जी वेरी सीनिक एंड मेजेस्टिक प्लेस, हमने नाइट स्टे वहीं पे किया। अच्छा, डिस्पाइट के वहाँ फैसिलिटीज नहीं है लेकिन वहाँ पे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है स्टे करने का। बेस कैंप तक खवातीन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, ये इन एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ब्याल कैंप तक तो ठीक है लेकिन ब्याल कैंप से बेस कैंप का जो हाइकिंग है वो ज़रा टफ है। अच्छा, काफ़ी स्टीप, बीच में पॉइंट्स हैं और डिफिकल्ट हैं, इसलिए थोड़े बहुत हाइकिंग की जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग तो आ सकते हैं, वो भी बहुत एहतियात के साथ। लेकिन जिनका बिल्कुल हाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज़रा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है उनके लिए। क्या नज़ारा है यार, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नियामतों को जो है ना उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और कितने बेहतरीन नज़ारे हैं, फूल देखे आप, ये जो हार से गोला वो फूल का आ रहा है, हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये खाने को इसको मिल रहा है। थोड़ा सा इनको जकरिया दिखाए ना, ये कैसे फूल जो है ना वो का रहा है। क्या बात है, और ये फूल देखे कितना खूबसूरत व्यू है। और मैं भी इनके साथ साथ जा रहा हूँ, फूलों पर पाँव रखना पड़ता है। दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक वो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है और ये वाला शॉर्टकट है, तो मैंने और जकरिया ने इंतखाब किया कि शॉर्ट लेते हैं। चश्मा, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और ट्रैकिंग करके आप लोग पहुँचे, आपको दाद देना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको ये ट्रैक वगैरह? बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, जन्नत है, जन्नत। यहाँ पे से वही आ सकता है जिसको नांगा पर्वत से प्यार है। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये माइंड गेम है, यानी आप अगर गेम करते हैं तो ये माइंड, अगर आपके माइंड में है कि हम जा सकते हैं तो
तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई उम्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर कोई जो है कर सकता है ये ट्रैक। मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल ट्रैकर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की, कैसा लगा आपको सर? नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मुश्किल होती है पहली दफा में। हाँ, आज मेरी पहली बार थी, लेकिन हिम्मत की है तो यानी कि हो जाता है, हो जाता है। अगर नेसेसरी इक्विपमेंट आप पास रखें तो। शूज तो आपके अच्छे हैं। यस, शूज ये है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर था तो वो मुझे उसने हेल्प किया, मेरे पीछे दोस्त आने के बाद एक्स्ट्रा पेयर है, मैं दोबारा चेंज करूंगा, तो शूज आपने एक्स्ट्रा पेयर रखने जरूरी है। तो यहाँ पर आप चश्मे का पानी पी सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार मिनरल वाटर है, ऑर्गेनिक पानी है, ताज़ा पानी है, और जहाँ से हम पी लेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे पानी आपको मिनरल भी ना मिले। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लो जी, हम बेस कैंप तक पहुँच गए, बिल्कुल टॉप पे हम आ गए। ये बेस कैंप है और यहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो ये हमने सफ़र तय किया, ये छोटा सा केबिन और ये भी, वो क्या बात है। थोड़ा सा अंदर देखते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पहुंच गए। जिंदाबाद। खाना भी आपका बन रहा है, तैयार है। तैयार है, इंशाल्लाह। कितनी देर में तैयार हो जाएगा? इंशाल्लाह 10-15, बस रोटी लगाना छोड़ी रही है भाई। अच्छा, मैंने क्लियर किया है। गुड हो गया। हमने रास्ते में इनको ऑर्डर दिया था यार, लेकिन ये तेज आया, हम स्लो स्लो आ रहे थे। साथ ही ये भी है। और असल पेंट कोट लेके आया मैं, बस ठीक है। कि बेस कैंप का रास्ता मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि कोई कर ना सके। लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। मेरे यहाँ की मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि रास्ते में ना जगह जगह बोर्ड्स लगाए जाएं, जिसके ऊपर लिखा जाए कि इतना फासला रह गया है और इतना फासला तय करना है मजीद, ताकि जो है आने वाले लोगों को इस चीज़ का डर ना हो कि हमारा रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि रास्ता रहता कितना है तक पहुँचने में। मुश्किल है, आसान है? कुछ जगहों पे मुश्किल है, कुछ जगहों पे ठीक है। जब ग्लेशियर क्रॉस करना, वो एक ट्रिकी पॉइंट है, वो आप पोर्टर के बगैर या अपने गाइड के बगैर नहीं कर सकते। शुक्रिया। सा आपको बता दूं कि अगर आपने इस्लामाबाद से आना है तो आपने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है नारायण कागान से भी आप आ सकते हैं, बाबूसर टाप से, और दूसरा रास्ता KKH से, यानी मानसेरा ताकोट और इसी तरह विश्राम से होते हुए आप चिलास पहुँच जाएंगे। चिलास के बाद आप रायकोट जो बेस कैंप है वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, वहाँ से आप जीप ले लें, जीप वाले आपसे 14,000 रुपये लेते हैं। फिर वहाँ से आप जब जीप का रास्ता 1.5 घंटे का है, वहाँ से फिर आपने ट्रैकिंग अगर करनी है, घोड़ा आप ले सकते हैं, 5,000 रुपये घोड़े वाला लेते हैं। फिर पिरामिडोज आप पहुँच जाएंगे, पिरामिडोज से आप वहाँ पर रात गुजारे, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं तो आप फिर व्यू पॉइंट तक या बिहाल बेस कैंप तक आप पहुँच जाए, बिहार बेस कैंप से फिर व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट से आप यहाँ यानी बेस कैंप जो है नंगा पर्वत तक, यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तकरीबन 3 बजे तक हम यहाँ पहुँचे, तकरीबन रात सुबह हमने तकरीबन 8:30 बजे सफ़र शुरू किया था, और अब यहाँ पर 2:30 बज रहे हैं। तो हम यहाँ पर खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद फिर हम जाएँगे वापस। गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल, क्या ही बात है। और नंगा पर्वत, जकरिया कैसा लग रहा है? थकावट है? बहुत अच्छा, और थकावट भी है, लेकिन व्यू आपके सामने है, सारी थकावट इसे उतर जाती है। सही, आप सामने देख लें नंगा पर्वत को, बहुत ऊंचा और बहुत प्यारा पहाड़ है। ठीक है, और तन्हाई है और बहुत खूबसूरती है इधर। अच्छा जी, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ये एक इधर अंग्रेज की कब्र पर जाएंगे, अल्फ्रेड रेक्सल के नाम से। अच्छा, और इधर 2-3 और भी दफन हुए हैं, तो अभी हम वो देखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से, आप अपने राइट साइड पर देख लें, ग्रीन पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ तक चढ़ेंगे, यहाँ से हम गनालो ग्लेशियर को देख कर वापस रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर पुराने ज़माने में, मतलब यहाँ ट्रैकर है, वो हाइकिंग करते हुए
इस पहाड़ को सर करते हैं कर लिया था जी वापसी पर, मतलब वो यहाँ पर आगे इनका स्टेमिना या कुछ ज़रूरी जख्मी हुए होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन वो यहाँ पर दफन है। अच्छा, तो हमने सोचा थोड़ा सा उधर ही चलते चलें ताकि देखे थोड़ा सा मंजर आप उनको दिखाए। मंजर है कैसा मंजर? ये मंजर है सर। व्यूज किस तरह लग रहे हैं आपको? व्यू जो है ना, मैं चाहता हूँ कि एक रात यहाँ पर बंदा गुजारे। बिल्कुल, ये रात गुजारने वाली जगह है जी, जी। माने बिल्कुल, अगर आप बगैर रात के चले जाते हैं ना, अब हम 8:30 बजे हमने पिरामिडो से सफर शुरू किए और मुसलसल सफर में हैं और ये देखते हैं कि टाइम कितना हुआ क्या हुआ। तो अगर आपके पास टेंट हो और आप इस बेस कैंप में अपना टेंट लगाए या इस बंदे के साथ बात कर लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है रात गुजारना है। ये उस अंग्रेज की कब्र है, ये आप बिल्कुल आप सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अल्फ्रेड ड्रेक्सल, ये बहुत अच्छा एक क्लाइंबर था, अंग्रेज था। अच्छा, तो ये इधर नांगा पर्वत पर आया था 1900 में आई थी और इसने नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इधर जाके डेथ हो गई थी। तो इसको बस इधर जाके जो बंदा जो मरता है तो ज़्यादातर लोग तो ऊपर ही इनको दफन कर देते हैं, छोड़ आते हैं, बाकी ये आई थिंक नीचे ही होंगे तो उनको उधर बस दफन कर लिया था। उनके साथ 2-3 और फॉरनर्स हैं। अच्छा, 3 और फॉरनर्स हैं, उनको भी इधर ही दफन किया गया है। अच्छा, ये इनकी कब्रें हैं जी। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पर आना, आप दूसरी दफा आए जी, पहले भी देखा जी। तो क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? फ़र्क तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से मेरे से पूछें तो नीचे आबादी इनकी ज़्यादा हो गई है। फेरी मेडल्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो फेरी मेडल्स में हट्स वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं और दरख्त वगैरह कट रहे हैं। बाकी ये जो लोग आते हैं ये गंदगी वगैरह फेंक जाते हैं, जो अपनी बॉटल साथ लेके आए, जो भी चीज़ लेके आए, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी प्यारी पीक है, तो ये इधर इस तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नज़ारे तो बहुत है लेकिन यहाँ ये जो नंगा पर्वत का जो बेस कैंप है यहाँ की व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार है। थोड़ा सा अगर आप कैमरा को पैन कर दें तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यहाँ से ले लें ये पूरा सिलसिला तो क्या ही नज़ारा है। वैसे लोग इतना यहाँ वैसे नहीं आते, कुछ तो है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी से अच्छी जगह दिखाऊं। आज ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है और नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पर मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।